अब मैं तो हंसू आया था अपने बड़े अब्बा से मिलने के लिए और अभी मैं उसको लेकर के घर वापस जा रही हूँ। मेरे स्कूल में है, उसका स्कूल से आने का टाइम हो रहा है, तो उसको ट्यूशन छोड़ के जानू के लिए खाना बना के फिर घर पे खाना लेकर आऊंगी वो मेरे को ट्यूशन से लेके आने के बाद। जब तक थोड़ा टाइम वसीम बैठेगा अभी उनके पास, जब तक मैं घर का थोड़ा बाकी का काम वगैरह कर लूँगी और खाना वाना बना लूँगी शाम के लिए। तो खैर चलो चलते हैं अभी हसनू के साथ घर पे। चंपू बन कर आया है, पूरा खोपरे के तेल की खुशबू आ रही है, इधर ना तेल लगाया है मस्त। आज इतने दिन बाद कुछ बोलना है बोलो, दुआ करो, दुआ करो मेरे अब्बा के लिए, मेरे अब्बा के लिए। अच्छे से करना बोलो, अच्छे से करना बोलो, बोलो बोलता बोलो बाय। ये देखो शर्म आ रही है इसको, क्या हो गया? भजिया कौन खाएगा? ये कौन भजिया लाया? ये चलो खाएंगे। तो खैर हम लोग आ गए दवा खाना, शबनम बोल रही थी सॉरी, छोटू और उमेर गए हैं जानू से मिलने और मैं जा रही हूँ मुन्नू के लिए कैट फूड लेने, क्योंकि कैट फूड उसका ख़त्म हो गया है बच्चे का मेरे, वो भी नहीं तो रात को तरसेगा। और उमेर गया है अपने अब्बा से मिलने के लिए ऊपर, क्योंकि एक जन को जाने की बोले अलाउ था, ऊपर सर लोग सब बैठे हैं और ऑपरेशन शायद हो रहा है किसी का, तो इसीलिए मैं ली तुम लोग जाके मिलकर आओ, मुझे तो अभी रात भर रुकना ही है। घर का सब काम वाम हो गया, अब्बा छोटी लोग का खाने पीने का इंतज़ाम उमेर का हो गया सबका, अब उन लोग खाली घर जाएंगे अपना खाएंगे पिएंगे सो जाएंगे, तो मैं यहाँ सुकून से रुक पाऊँगी इनके पास। बस थोड़ा सा इनको ऐसे हाल में देख के ना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि वो जब रहते हैं हंसते खेलते भागते दौड़ते सामने दिखते हैं ना, तो वो खुशी अलग होती है, और उनको ऐसा एक ही जगह पर पड़े देखना मेरे लिए थोड़ा बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा। मैं 8 साल पहले वही वक्त में पहुंच गई जहां से उनको इतनी मेहनत से निकाली थी पतरी, उस टाइम पे भी उनको हुआ था ना तो ऐसे ही बहुत प्रॉब्लम हुआ था, बहुत भागी थी उस वक्त। तो उमेर 3-4 महीने का था गोद में, बेहोश होता हुआ आदमी एक तरफ अपने कंधे पे और एक तरफ बच्चा, उस वक्त कोई सहारा नहीं कोई नहीं, सब घर में देवर लोग छोटे छोटे थे। मेरे ससुर काम पे थे सुबह 8 बजे से 11 बजे तक भागी थी, फिर 11 बजे मेरी सास आए थे तब फिर वो मेरे साथ बाकी का भागे थे इधर उधर। वो वक्त याद आ गया मैं कैसा रो, जब पूरा दिन बर्दाश्त करने के बाद जब शाम में फ़ोन कर मेरे घर वालों का आया तब इनसे छुप के नीचे दवा खाने के केयर हॉस्पिटल के खूब रोई थी इनको ऐसा तड़पते देखी थी। अभी तो खैर चलो अभी हिम्मत थोड़ी बन गई है, अभी लेके भाग कर सकती हूँ ज़्यादा, उमेर भी अभी बड़ा है तो टेंशन नहीं है, तो अभी थोड़ा हिम्मत है। तो अभी अब्बा ये लोग भी है थोड़ा सपोर्ट के लिए, उमेर के पास रुक जाते हैं तो थोड़ा टेंशन फ्री रहता है, वरना तो खैर अभी चलती हूँ कैट फूड की दुकान आ गई लेकर के फिर जाएंगे। खैर ले लिया मैंने मुन्नू का खाना, अभी जा रहा है घर पे मुन्नू को अभी भी लास्ट खाना देकर आई हूँ, अब रात का उसका टेंशन नहीं रहेगा, नहीं तो अब्बा उमेर को बहुत परेशान करता था रात को पाँ 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 करके नींद में। चलो अभी चलते दवा खाना फटाफट, देखते जानू क्या कर रहे क्या नहीं। देखो बाप बेटे का प्यार मिल लिया अब्बा से। हाँ। अच्छा लगा। दुआ कर अब्बा के लिए जल्दी ठीक हो जाए। अभी कैसा लग रहा है जानू? ठीक है, थोड़ा दर्द तो नहीं है? हाँ मेरी बहन भी आई है मिलने बेचारी, दोनों अरे भाई जी भी। हाँ। इसका दरवाजा दिख रहा है, पहले खिड़की दिखती थी अब दरवाजा दिख रहा है। चलो बाय बेटू। ओए पगलू बाय बेटू। मम्मा सताना नहीं यहाँ दादू चाचू को, घर पे जाओ खाना ना खाओ और सो जाना, टीवी नहीं देखना देर तक, सुबह स्कूल जाने का। मैं सुबह आऊंगी मैं स्कूल छोड़ने, ठीक है बाय। दोनों कैसा जा रहे दोनों? अरे अल्लाह भाग भाग के भाई। यहाँ बैठा है मेरा भांजा अंदर। आओ करते हैं एप्पल पार्टी और कच्चा मैन। अभी थोड़ा आराम है, दवा चालू है, अभी रात को बंद कर दिए क्योंकि रात को वॉशरूम जाना बहुत बार बार पड़ रहा है, टॉयलेट बहुत आ रही है, तो एक एक मिनट में टॉयलेट आ रही है, तो
बोले रात को परेशान हो जाओगे तो इसलिए रात को सुबह 7 बजे से चालू, सुबह 7 बजे से वापस से ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा। धीरे धीरे दुआ करते रहिए, बहुत सारे लोग तुमको मिस कर रहे हैं, बहुत सारे लोग तुम्हारे लिए दुआ कर रहे हैं, बहुत सारे ये भी बोले कि शफीक भाई अल्लाह करे अच्छे से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि जो इंसान सबको हंसाता है वो इस हालत में नहीं अच्छा लग रहा देख, और मैं खुद इनको ऐसा नहीं देख सकती, नहीं बर्दाश्त होता है। क्या बोलते हो? पर से बच्चे जैसे जब ये तड़पते हैं, इनका जो मतलब था ना, मतलब आप में से कोई देख नहीं सकता, ब्लॉग तो मैंने बहुत कम शूट किया इनका तड़पता हुआ, ज़्यादा तड़पता हुआ शूट नहीं करी, क्योंकि इस टाइम पे मैं इनको संभालने में लगी थी, क्योंकि अगर वो शूट करती तो आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते देखते इनकी जो तकलीफ़ थी। 2-3 बार बेहोश भी हो गए थे, ऐसा हो गया था, इस वजह से इमरजेंसी में एडमिट कर दी। ठीक है, खाओ सो रेस्ट करो, अभी तुम्हारे आराम के दिन चल रहे, बाद में सोचना जो सोचना। आज मैं वो जाना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, यहाँ पे जो एक और पेशेंट है, ब्लड पेशेंट हुआ है, उसमें बोले आज मैं वो जाना पड़ रहा है, जा रही छोड़ के नहीं जा रही, फोन करो बस आ जाओ, जाती हूँ ठीक है ठीक है, सो जाना, परेशान बाय। देखो आराम, दवा इंजेक्शन देके गए तो अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना, हाथ में लो चलो, गुड लक, सो जाना, इसको मोड़ो मत, अल्लाह हाफिज़। रात के 1:30 बज रहे और मुझे घर जाना पड़ रहा है, क्योंकि एक पेशेंट ऐसे हैं जो मेल हैं, के लिए उनका ऑपरेशन हुआ है, तो इसलिए अंदर फीमेल अलाउड नहीं है, और मैं तो उनके पास ही थी, तो बोले या तो आपको रात भर नीचे बैठना पड़ेगा, या तो सबसे बेहतर है कि आप बोले घर चले जाओ, तो मैं निकल ली हूँ अभी वहाँ से, जा रही हूँ घर के लिए, रिक्शा पकड़ती हूँ, और रात के 1:30 बज रहे, टेंशन ये है कि अब्बा अभी सो गए रहेंगे, पहले अब्बा को फ़ोन करना पड़ेगा ताकि दरवाज़ा खोल सके, तो मेरे पास तो चाबी है पर कड़ी लगाए रहेंगे अंदर से, कोई नहीं, अभी थोड़ा जानू अच्छे ना, तो उनको देख के थोड़ा अच्छा लग रहा है कि उनको दर्द नहीं हो रहा है, बोले अभी नीचे उनको शाम में तो दर्द हो रहा था, तो शायद पतरी नीचे उतरी, डॉक्टर बोला हाँ जब उतरेगी ना तो दर्द कहीं से खसक के कहीं और जाएगा, देखते बस दुआ कीजिए, आप लोग की दुआ की बस ज़रूरत है और कुछ नहीं चाहिए। रिक्शा मिल गई, चलो चलते, फाइनली मैं घर पहुँच गई, बस जोर के भूख लगी थी, थोड़ा सी खाना खाई, अब मैं भी आज सोऊंगी, थोड़ा उनको टेंशन फ्री देख के, पर फिर भी मन वहीं लगा रहेगा, और मिलेंगे कल सुबह, अभी मैं भी थोड़ा सोती हूँ ताकि थोड़ा रेस्ट मिले मुझे भी, बाकी तो और कुछ नहीं बोलना है, कुछ है नहीं बोलना है, बस थोड़ा तसल्ली है दिल को ये बोलूँगी, उनको थोड़ा हंसते बोलते देख के अभी थोड़ा बहुत सुकून मिल रहा है मुझे फ़िलहाल के लिए, पर मन नहीं मान रहा था छोड़ के आने, पर मजबूरी थी, आना पड़ा, मिलेंगे इंशाल्लाह कल सुबह में, अभी जा रही हूँ सोने के लिए, दुआ करते रहिएगा, गुड नाइट। अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, मैं उठ गई, उमर उठ गया, और आप लोगों को मैं कुछ दिखाने वाली हूँ, पर थोड़ी देर में, सरप्राइज है आप लोगों के लिए भी, दिखाती हूँ। अब्बा देखो मैंने नाश्ता बना के रखी हूँ। अस्सलामुअलैकुम, हम अभी दवा खाने से आ रहे हैं। हाँ हाँ, पीछे देखो, अरे अरे ये क्या सीन है, आज सुबह ही आया सरप्राइज, आप सबके लिए भी मेरा मद्दू आ गया, सरप्राइज मेरा बच्चा आ गया, मेरा दिल तो मेरा धक धुच हो गया एकदम बेटू को देख के, अकेली है क्या करूं, बाथरूम में रखा छुपा है, अरे तुम लोग बाथरूम में छुपा के मुझे सरप्राइज कर दिए, इसका मुंह देखो, इसका मुंह देखो, एकदम जाग गए नींद में, नहीं मैं तो बैठी थी रील्स देखती बैठी थी मैं तो, अरे तुम घर से मिलने आ गया, अरे मेरा बेटा, मेरा गुड्डा, अरे मेरा श्याम,
तो बड़ी खुशी हो गई, बहुत ज्यादा एकदम खुशी हो गई। अभी सबसे खुशी की बात रहेगी जानू के लिए, क्योंकि इतने दिन से महत से तड़ मिलने के लिए वो ऐसा तड़प रहे थे। हाँ, हर फ्राइडे सैटरडे संडे, फ्राइडे सैटरडे संडे जब सोच रहे हम लोग के जाएंगे, हम लोग मधु से मिलेंगे, तब कुछ ना कुछ काम पड़ जा रहा। इस बार बीमार पड़ गए, अभी तो उनके लिए सरप्राइज रहेगा। कुछ देखो मेरे बच्चे की, कुछ देखो छोटा मुशद्दी के हंसता है पूरा अपने बाप के जैसा। बना के मेरा गुद्दा बच्चा है, मेरा छोना बेटा है तू, है ना, मेरा बब्बू है। हाँ, पूरा मुंह उसी के जैसा है पूरा। तो ये देखो मैं आ गई दवा खाने में। जानू कैसे हो? गुड मॉर्निंग। सरप्राइज सुबह है मामा। सरप्राइज हो गया। ये देखो मामा इतने दिन से तड़प रहे थे, छुपा छुपा आया घर पे। अरे अल्लाह, मामा सात नदी पार करके आया मैं। तो शांति से दे। मामा को रोना आ गया, दाढ़ी चुभ गई है। चलो बहुत नखरे ले, बहुत अरे अरे ओहो, ये तो नखरे वाला है, तो नाटक है। इसलिए चिड़चिड़ा रहा है। खड़ा करो मामा की गोद में। तुम आए नहीं ना, इसलिए तुमसे शिकायत हो रही है। तुम आने वाले थे ना। तो ये देखो, बहुत बड़ा सरप्राइज मिल गया मुझे, यकीन नहीं हो रहा है। अभी ग्लूकोज भी निकलवा दिया मैंने, बड़ा खत्म हो गया, बड़ा निकालो बाद में। देखो सोने के लिए आया बच्चा, सरप्राइज दे दिया मामा को, सरप्राइज दे दिया। वो सरप्राइज दे रहे थे खाली भाई बेचारा। अभी रोने लगी थी काली, रो रही है ना है। अभी वो भी रोने लगेंगे, बस कर। हाँ, इसको बोलते भाई बहन का प्यार। बस काली काजल फैल जाएगा पूरा। तो जा रहे हम लोग, है ना, है कि नहीं खाली? जा रहे हैं, चलो बोले। अरे जल्दी खाओ बच्चा, जल्दी खाओ, जल्दी चलो, जल्दी आओ। मम्मा से आम मिला, आज लग रहा बच्चा, मेरा बच्चा जा रहा है। आई लव यू मेरा बच्चा। क्या हो गया ना, सोटो गया राजा बच्चा, मेरा छोटा ग्रामू। मामा घर पे आ जाओ ना, आप उनके खेलोगे उनके। आता हूं, बोलता हूं मेरे को लेकर आने जाओ, मैं क्या कर, मैं मुझे जाने, मैं जा रहा हूं घर पे। मैं बोली ना ऐसे छोड़ेंगे, मैं तो मालूम था इससे देख के। चलो बाय जानी, तो देखो खाना आ चुका है मेरे लिए। दाल चावल, चावल चिकन का सालन, चेहरा पीस मंगाया लेके आया, आज घर पे है।
अभी लोग आए, अभी थोड़ा आराम है, बहुत अच्छा सुकून है, अलहमदिल्ला अच्छा लग रहा है आप लोग की दुआ से और अल्लाह के करम से दाल चावल खाने जा रहा हूँ। अभी शायद बोल रहे हैं डिस्चार्ज देंगे शायद, हाँ डिस्चार्ज मिल जाएगा उसको शायद, देखते हैं बोल रहे तो है 5-6 बजे शायद मिल जाएगा डिस्चार्ज, अब पता नहीं क्या होता है। अब भाई जा रहा है खाना खाने, आप खुद भी आ जाइए, आ जाओ खाना, हाँ तो मिलते हैं खाना खाने के बाद। तो खाना खा रहे हैं तो आपको कैसा लग रहा है फिक्का दाल चावल खा के? दो तीन दिन के अल्लाह किसी को ना दिखाए, हॉस्पिटल चौकी रिपोर्ट, यही चीज मैं 3 महीने से कंटिन्यू खा रहा हूँ, बताओ कैसा लग रहा है? सिर्फ दाल चावल छाछ, दाल चावल छाछ, अभी थोड़ा एक आधा बोटी खाने लग गया गोश्त का बस, बाकी नहीं तो मैं एकदम पैकअप। और गर्मी में तो सबसे ज़्यादा बंद करना पड़ता है मुझे, बाकी इसको टेंशन नहीं, एक हफ्ता भी नहीं खाया ना चलेगा, उसके बाद खा सकता है। क्या बोलते जाना? तो आशिफ को मैंने बुलवाया, जो डॉक्टर डॉक्टर थोड़ा डरा रहे थे मेरे को, मैं हूँ ना, क्यों डरा रहे थे? हाँ अभी सही बना, क्या बोलते हैं अपने इशरार भाई और अपने किरण भाई, अपने किरण भाई भी यहीं पे, और मेरी भांजी भी आके गई, भांजी मतलब भतीजी ना, भतीजी भी मिलके गई, शेखा सब आके जा रहे मिलके, बहुत अच्छा लग रहा है। और डॉक्टर हाँ। बोले कि पहले सोनोग्राफी करवाओ फिर डिस्चार्ज देंगे, तो मैं बोला नहीं भांजी अभी आई नहीं, भांजी आने वाली थी तो मैं रोक दी, मुझे बोला डिस्चार्ज चाहिए फटाफट, तो मैंने आशिफ को बुलवा लिया, मिल जाएगा अभी बात कर कर, तो आई हूँ देखो क्या होता है अभी पता नहीं। दवा दर्द कम है, दर्द कम है, सब सही है, आराम से अच्छा चल रहा है, है ना चल रहा है उनका, चल रहा है और हमारा तो दौड़ रहा है, पैर दौड़ दौड़ के बहुत ज़्यादा दर्द हो गया, क्या बोलते हैं। दाल चावल अच्छा था, दाल चावल अच्छा था, इसरार भाई देख रहे हैं बोलते हैं कैसा कर रहे हैं, हाथ से इधर का भी ले रहे उधर भी कैप्शन ले रहे, क्या बोलते हैं सही बात है, ऐसा सीखना पड़ता है भाई, मानो बहुत अच्छा लग रहा है आप लोग की दुआ से, बहुत सारे लोग की दुआ, थैंक यू सो मच दुआ करने के लिए मेरे लिए और आप लोगों का प्यार, मुझे पता था इसीलिए आप लोगों से कुछ नहीं मांगती, हमेशा दुआ मांगती थी, पता है आप लोगों की दुआ हमेशा काम आती है हमारे लिए, लाइफ में हमारे बहुत ज़रूरत है सिर्फ आपकी दुआओं की, आप कुछ बोल रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया, जज़ाकअल्लाह, थोड़ी देर में मैं घर पर मिलूँगा इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। तो ये देखो हो गया मेरा डिस्चार्ज, थैंक यू सो मच, डिस्चार्ज हो गया, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा विदाउट सर्जरी, इनका स्टोन निकल गया वो अच्छी बात है, अच्छे से हो गया। तो हम हमारे डॉक्टर को दिखाते थे पर वो अभी थोड़ा शर्मा रहे, जाने तो कोई बात नहीं, अभी चलेंगे घर जल्दी जल्दी, क्या बोलते जानू, घर पे सब बैठे आपका वेट करते हैं। तो ये देखो निकल रहे हैं, देखो नंगे पैर, नंगे पैर निकल रहे हैं, क्या बोलते हो? चलो मैं आजाद हो गया, आजाद हो गए, चलो जल्दी जल्दी, दो तीन दिन बाद चप्पल पहन रहे हो, देखो अच्छा है ना, तुम्हारे को रेस्ट करने मिला, हमको तो वो भी नहीं मिलता है, चलो छूट गया अभी पैर, पर मैं बहुत खुश हूँ, पैर छूट गया, मैं बहुत खुश हूँ कि आप ठीक हो गए और बहुत सारे लोग खुश होंगे इंशाल्लाह ये वीडियो कल देखने के बाद, पैर छूट गया है बस, हाँ तो कंटिन्यूसली बैठने की आदत नहीं है ना आपको, चलो क्या बोलते हैं, चलो जल्दी जल्दी जानू, चल के पहला नहाना, चलो बोलते हैं वसीम ठोक वोक देगा तो ऐसा बोल रहे, बता तेरे बारे में, देख हाथ टप टप करेगा ही वो, देख पाओ तेरे बारे में कैसा कैसा बोल रहे, इतना अच्छा गाड़ी चलाता है बेचारा, ये देखो ये देखो, चलो डबल में खाना है, डबल में सब, चलो बराबर लाया ना, पाओ क्या बोलते अच्छा हमने भूल गई सब ना, मेरे लोग सब बाजार गए, क्या सलाम अलैकुम, अस्सलाम वालेकुम, अरे मेरा बच्चा, अरे देख के खींचे, कभी आए
अभी तो आया था इधर, मेरा बच्चा मामू आ गए, मामू की छुट्टी हो गई। शर्मा रहे थे कहते, अरे शर्मा रहे हो तुम मेरे को देख के, शर्मा रहे हो, इतना पदवा है मेरे को, इतना पैर दुख रहा है मेरा, शर्मा रहे हो तुम शर्मा ले मेरे से। तैयार, क्या बोलते और कैसा नहाए? एक हफ्ते नहाया, आसिफा ने बहुत हेल्प किया, हेल्प करी, साबुन आसिफा ने नहलाया। ये क्या जो सच है वो सच है भाई, मैंने नहलाई, मेरा आदमी मैं नहीं नहलाऊंगी तो क्या कोई और आएगा क्या नहलाने? मैं करूंगी ना, ऐसा बोल रहा आसिफा हेल्प करी, सीधा बोलने का हाँ भाई मेरी औरत पूरा नहलाई नहलाएगी भाई, औरत ही नहलाती है, फिर औरत को कुछ, फिर जब औरत को कुछ होता है तो आदमी लोग करते क्या बोलते वो संगिनी ने जीवन जीवन के साथी क्यों बोलते, इसीलिए गोरे लग रहे हो और क्या, इतना घसेली हो तुम्हारे को तो गोरे ही दिखोगे ना अभी, और अच्छे दिख रहे हो, बहुत दिल को खुशी हो रही तुमको देख, बहुत अच्छे लगते वहाँ पे, डॉक्टर लोग भी बहुत अच्छे थे, नर्स बहुत अच्छी थी, नर्स बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छा कोऑर्डिनेट किए, नर्स बहुत अच्छे थे, दो तीन मिनट मुझे दो तीन अच्छी लगी नर्स लोग, डॉक्टर भी, और जो लास्ट, चलो गोरे दिख रहे हो, वो लास्ट वाले मैडम बहुत अच्छे थे, वो जो नर्स थे ना, बहुत अच्छे थे, वो नर्स थे के वो मैडम डॉक्टर थे वो छोटे, वो नहीं जो लास्ट में जो सर सर आके मेरे को बोल रहे थे ना, अच्छा वो, अच्छा चलो अच्छे थे, चलो फिर चलते हैं, आराम करेंगे जब चलते हैं। क्या बोलती है लड़की, जाओ तो लाओ, फाइनली मैं तैयार हो चुका हूँ, मेरे मैंने इसको छूने नहीं दे रही थी इसको, मेरा बच्चा, क्योंकि दवा खाना में छुए तो आके पूरा मैंने उसको चेंज करवाया है सबनम से, इसलिए अरे मेरा बच्चा, अब प्यार करो जितना करो, मद्दू आया और मामा का पत्थर भी बाहर आया, मैं भी वही बोला, मामा बोला देखो देख के अच्छे, जैसा ये मामा को देख के बाहर आया था ऐसे ही मामा का पत्थर इसको देख के बाहर आया, तो मामा जबरदस्ती भाग कर आया भाई, नहीं भाई मामा काटते भी नहीं, सुन हो गया गुद्दी गुद्दी जैसा बदन है ना तुम्हारा, इसीलिए तो लगा गद्दे में लपेटे, तो मामा को लो चुभ रही, अभी तुम्हारी दाढ़ी बनाओ उसके लिए पहले, इसलिए झटक दी, दाढ़ी बनाना पड़ेगा तुमको, तो करना पड़ेगा भाई, ऐसी थोड़ी ना हो जाता है बच्चों का दिल खुश करने, ए बेटी आओ, कहाँ हो गया, मामा को बुलाओ, कहाँ देख रहा है पांडा, औरत को बोला मेरे लिए एप्पल काटो, बोलते जाओ अपने हाथ से काटो और खा लो, हो गए इज्जत, बोले एक मिनट थे पत्थर निकल गया, पेट का दर्द चला गया, घर पर आ गए इज्जत का तो काटो काटो पत्थर निकला, हाँ बाकी है तू अकेले सही रहे, हाँ तो दिखा तीन के, अच्छा तीन बताए तो चार निकल गया, हमको तो ज्यादा एडवांस आया कहाँ से, जब पैसा एडवांस देने तैयार नहीं, पत्थर क्यों एडवांस निकाले तुमने बताओ, ओहो जानू क्या बात है, चलो अभी कहाँ जा रहे हैं हम लोग, वो सोनोग्राफी करने, फिर से एक बार सोनोग्राफी बोले लास्ट करवा लो, ताकि हम लोग पता चले नहीं रहेगा, हाँ कल हमारी स्पेशल जो हमारी आपा है, हमारे आपा है उनका बर्थडे, मिलने जाना है, तो कल का कल, अभी तो फिलहाल ये जल्दी आज निपटा ले, क्योंकि कल वक्त नहीं मिलेगा, कल चाहे कुछ भी है उनसे मिलना ही है भाई, डिस्चार्ज लेके आए, हाँ चलो 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 फटाफट, पियो पियो पानी तुम्हारे लिए, वैसे भी हेल्थ के लिए अच्छा है, तो फाइनली हमारा क्या हो गया, सोनोग्राफी भी हो गया है केके में, ये देखो यहाँ ऊपर, तो लेकिन फिर भी बोले हैं अभी एक लास्ट है, 4. कितना एमएम, 4 mm ही है, 4 mm, हाँ वो लेकिन बोले नीचे उतर गई है, निकल जाएगी खाली, हाँ। दवा वो खाते पीते रहो जो दिए रहेंगे, कितना गिर रहे पड़ रहे तुम, अभी यहाँ गिर गए, अभी कहीं और मत गिर जाना, अरे ये एक्चुअली सैंडल ऊंची थी ना, सैंडल पैर गलती, सैंडल हैंडल का बहाना बना रहे, मेरे जो ज्यादा आ गया ज्यादा ग्लूकोज चढ़ गया लगता है, थोड़ा दाढ़ी बना गया तो महा पप्पी नहीं ले रहा है, मेरे को चुभ रही है दाढ़ी, बताओ पहले दाढ़ी बना, और वही दीवान की, मैं अभी रस्ते में मत गिर जाना कहीं, अभी खाली अच्छा मत सीढ़ी पे घर में गिरे हो,
क्या बात कर रहे हो तुम, कितनी सारी गाड़ी जा रही है। सबनम का आज लड़ाई कर, हमेशा सबनम जोर जबरदस्ती से रोकती है तो मुसद्दिक बोलते हैं कि ये ऐसे ही करती है, ये रोकती है तो मैं जा नहीं पाता हूँ, गुस्सा आ रहा है मेरे को। आज नहीं रोक रही, बोली जाओ प्यार से भेज रही हूँ। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 मुझे दिख बहाना नहीं कर रहे, सीधा बोलो आज मेरा मन नहीं है जाने का। लेट हो गया, जल्दी निकल गए, 7 बजे सब निकल गए बोल रहे। हाँ टेंशन आ रहा मेरे को अर्शिम भाई का, ऐसा सही में आज अगर टेंशन आ रहा है, लेट क्यों, मैं पिक्चर देख रहे मोबाइल। ये देखो अब देखेगा ना, अब मामा याद आएगा क्या, सुबह सुबह दाढ़ी चुबा दी उसको। अरे मुसद्दिक की मजे ले रही थी मैं, मालूम कितनी बेचारे को सता रही थी। नहीं नहीं चलेगा, एक तो आया, मैं तो बोली रुकने नहीं, रुक रहा, खुद ही जीत कर रहा, जाऊंगा काम है। क्या आया था ना जाने का करके, हाँ तो लाओ हम लोग बात कर लेते हैं ना। नहीं नहीं बोले, वैसा उनका टेंशन नहीं है, वो बोले पर कस्टमर को टाइम दिए थे ना, जबान दिए थे कस्टमर। अच्छा कोई नहीं, चलता बोलना, कल चले जाना। और क्या चिकना चाहिए था, तो देखो 50 रुपए खर्चा कर दिया, 50 रुपए पप्पी मिलती देखो, 50 रुपए डालना पड़ेगा भाई, बड़ी दाढ़ी। हाँ शेविंग करके आया, कुछ गया मुंह धोया, फटाफट मुंह धो के मैं वापस आया। अल्लाह क्या रे गंदे, क्या रे मन खाने की, देखो हाँ मैं तो देख के हाथ चलाए। फिर भी कहीं कहीं लग जा रहा है। अच्छा नहीं नहीं काटो काटो, कान में चिल्ला, मेरे कान में चिल्ला मत। ए ए बेटू कहा हुआ, मार खाने की, मार खाने एक्टिंग करता है, एक्टिंग एक्टिंग करता है मेरा बच्चा। अले अले काटो देखो बात करो कितना बात करते हो, हाथ ही निकल तुम मेरे से, हाँ बात ही निकल मेरे से तुम। भूख मालूंगी मैं, भूख मालूंगी, छोटा था तो गया था, देखो भूख मालूंगी, समझा ना, मामी से बात करेंगे सिर्फ, मुझसे बात नहीं करोगे, भूख मालूंगी आज मिली अंग्री को कैडबरी सबको, किस खुशी में, भाई के आने की खुशी में। अरे 3 दिन ए वो थोड़ी खाता है, अरे उसकी इधर मेरे घर में आने की खुशी में। अरे मेरे लोग को देखो, या तो पूरी कैडबरी का नाश कर दिया होता मैडम, और मेरी आने की खुशी में अभी ने कैडबरी लाया सबके लिए, है कि नहीं। अरे चाबी ली ना, खेल रहे देखो इसको, अरे बाप ये देखो इसको, माजू कहता मेरे को लात मार रहा है, पीछे जा रहे टच होने, माजू बेचू, ए माजू बेचा, कहा कर ले तुम मार दूंगा तेरे को, मारूंगा मैं, मार दूंगा मैं। बर्तन धो रही है आजवा, आजवा बेचारे थक गए बहुत और खाना भी नहीं खाई देखो, आजवा मेरे वाले बेचारे, थैंक यू सो मच, थैंक यू आजवा। कितना बिल बनाते हो तो बताओ, हॉस्पिटल का बिल कितना बनाते, आएंगे बताएंगे।
ए मधु बेचा, ए मधु बेचा, ए इधर 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 देखो इधर, अरे 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 बाप रे बाप, देखो ऐसे देख रहे, देखो हाँ गोद में पलट के यहाँ देख रहे है। तो हाँ हाँ ये देखो बतौना हो गया, बतौना नहीं मामा बोली मैंने बोले मामा 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 नहीं बोलूंगा जो बोलेगा वो मामा। गुस्सा कर रहा है, गुस्सा कर रहा है, गुस्सा कर रहा है। तो गाइस अभी थोड़ा हालत सही है, अबू अबू अभी हम लोग सोनोग्राफी करा के आ गए, एक पतली अच्छी है 4 mm की, मतलब जो सोनोग्राफी के डॉक्टर है ना उनको हम लोग बहुत टाइम से जानते हैं। तो वो बोले बोले तुम्हारी ना बारीक बारीक भी बहुत सारी थी, पर वो कैसा सोनोग्राफी में बारीक बारीक नजर नहीं आती है, जो बड़ी बड़ी होती है ना खाली वही पकड़ में आती है। तो 3 तो पकड़ में आई, क्योंकि उस दिन इनके पेट में ना बोले ना गैस बहुत थी, तो 3 से ज्यादा पकड़ में नहीं आई बड़ी बड़ी में। तो अभी पता चल रहा है 4 mm की, पर नीचे उतर गई है। अभी दवा बराबर खाएंगे आजकल में दवा से, और ज्यादा पानी पीने से वो भी निकल जाएगी, नीचे उतर चुकी है। बाकी की तो 3 पूरी निकल गई, अभी भी बारीक बारीक भी बहुत सारी निकली है बोले। तो यूं ही दुआएं बनाए रखिए, डिस्चार्ज मिल गया, घर आ गए, खाना पीना हो गया, और मैं बहुत थक गई हूँ, बस सोना चाहती हूँ, खाना नहीं खाई हूँ, बहुत थकान हो गई है। तो जो बीमार होते हैं या जो दवा खाते हैं रेस्ट करते हैं उनको नहीं एहसास होता ना, जो भाग दौड़ करते हैं, जो पागलों की तरह परेशान होते हैं, उनके जितना एहसास किसी को नहीं होगा ना, है कि नहीं? क्योंकि बीमार इंसान तो एक होता है, पर उसके पीछे पागल होने वाले 100 होते हैं घर के, जो ज्यादा परेशान होते हैं। तो चलिए तुमको तो क्या, तुम खाओगे और अपना कम पानी पियोगे, ध्यान नहीं दोगे, बीमार हो जाओगे, तुम्हारे का थोड़ी पिया है 2 liter पी लिया, क्योंकि भुगतना बाद में हम लोगों को पड़ता है। मेन बात ये है, 5 बोला है, 4 मिनिमम बोला है। मार दे मार दे मार दे मार दे, बोल रहा है 6 पी लेंगे तो कुछ गुना थोड़ी हो जाएगा, मार दे बोले। ऐसे करते ही उसको भी मालूम है, इसीलिए लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहिए, अपना प्यार ही बनाए रखिए। तो अल्लाह हाफिज है, मिलना हमको वापिस है, चिंगम खाओ चबा के, यूट्यूब चलाओ दबा के, कीप सपोर्टिंग। चुप हो गया क्योंकि इसकी माँ रोज दिखाती है व्लॉग, रोज देखता है ना, इसलिए डायलॉग के टाइम बराबर चुप हो गया। तो खैर चलो, बच्चा भी गया अभी अपना सोने के लिए, कुछ और बोलना जा रही थी, कुछ गलती से सॉरी। खैर चलिए, दुआ में याद रखिएगा, यही बहुत बहुत शुक्रिया आपका, दिल से सपोर्ट सिस्टम मेरे, दिल से दुआ करती हूँ आपके लिए, बहुत सपोर्ट करी, कसम से बोलता हूँ, दिल से दुआ रहेगी हमारी भी, और बहुत बहुत शुक्रिया बहुत सारी दुआ देने के लिए, इतना सारा प्यार और सपोर्ट देने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच अस्सो, शुक्रिया, थैंक यू सो मच मेरा बच्चा, अल्लाह हाफिज, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अस्सो, थैंक यू।